हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर 49 ईयर्स के हो चुके हैं। 25 मई 1972 को जन्मे करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में कर दी थी। उस उम्र में वो दूरदर्शन के सीरियल इंद्रधनुष के साथ जुड़े थे। इस शो को आनंद महेंद्रू ने डायरेक्ट किया था। इस शो में करण जौहर के साथ गिरीश, उर्मिला मातोंडकर, आशुतोष गवारकर और अक्षय आनंद भी थे। करण को केजो के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड को कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और अलविदा ना कहना जैसी कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्में देने वाले करण जौहर ने अब एक इंटरव्यू में इस चीज़ का खुलासा किया है कि लगभग 50 साल की उम्र हो जाने के बावजूद वे अब तक कुंवारे क्यों रहे। इसके साथ उन्होंने ट्विंकल खन्ना को लेकर भी कई बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं करण जौहर की ज़िंदगी से जुड़े तमाम किस्सों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तो चलिए बिना देरी करें आगे बढ़ते हैं। तो इस इंटरव्यू में करण जौहर कहते हैं कि ट्विंकल खन्ना इकलौती ऐसी औरत हैं इस दुनिया में जिनसे मुझे प्यार हुआ था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ उनसे ही प्यार किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि ट्विंकल खन्ना को लेकर उनके प्यार का इजहार वो कई बार कर चुके हैं। अपने शो कॉफ़ी विद करण पे भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और इंडस्ट्री में आमतौर पर सभी जानते हैं कि करण जौहर ट्विंकल खन्ना से प्यार करते थे। खैर, करण जौहर फिलहाल दो बच्चों के बाप हैं, इसमें उनके नाम हैं रूही और यश। हालांकि उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। कहा जाता है कि करण जौहर ने शादी ना करने की वजह कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को ही बताते हैं। अगस्त 2015 में ट्विंकल खन्ना की किताब आई। इस किताब का नाम था मैसेज फनी बोन्स। इसकी लॉन्चिंग के दौरान करण जौहर ने खुलासा करते हुए कहा था कि ट्विंकल ही एक ऐसी लड़की थी जिनके प्यार में वे पागल थे। उस वक्त दोनों बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ रहे थे। करण जौहर आज भी ट्विंकल खन्ना को उनका दिल तोड़ने का दोषी बताते हैं। करण जौहर के मुताबिक ट्विंकल खन्ना ने उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में काम करने से मना करके उनका दिल तोड़ दिया था। जब उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार किया था तो उन्हें रानी मुखर्जी को लेना पड़ा था। आपको बता दें कि करण जौहर ने कुछ कुछ होता है में टीना का करेक्टर भी ट्विंकल को देखकर ही सोचा था। सबसे खास बात तो ये है कि रानी मुखर्जी वाले रोल का नाम टीना भी करण ने ट्विंकल के घर के नाम पर रखा था। ट्विंकल खन्ना को उनके करीबी टीना के नाम से आज भी बुलाते हैं। तो बताया जाता है कि करण जौहर ने इस पूरे करेक्टर को ट्विंकल खन्ना को दिमाग में रख के ही इस करेक्टर को लिखा था, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने इस रोल को निभाने से मना कर दिया था। करण जौहर ट्विंकल खन्ना से पागलों की तरह एक तरफा प्यार करने लगे थे और हर हाल में उनसे शादी भी करना चाहते थे। हालांकि ट्विंकल उन्हें प्यार नहीं करती थी। कहा जाता है कि इसी वजह से करण जौहर आज तक कुंवारे हैं और उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। बताया जाता है कि बचपन में करण जौहर और ट्विंकल खन्ना एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ट्विंकल को उसी वक्त पता था कि करण जौहर उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इस रिश्ते को दोनों ने कभी आगे नहीं बढ़ाया और हमेशा एक दोस्त की तरह ही रहे। अक्षय कुमार भी इस बात को जानते हैं कि करण जौहर उनकी पत्नी ट्विंकल को स्कूल के दिनों से ही पसंद किया करते थे। ट्विंकल खन्ना ने किताब में करण जौहर को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। ट्विंकल ने अपने और करण के बीच के दिनों के बारे में बताया है। करण जौहर को उन पर ज़बरदस्त क्रश था, इस बात का जिक्र किया है। करण ने अपने प्यार का इजहार भी किया था, ये भी बताया है। ट्विंकल के मुताबिक करण को मेरे फेस पर कभी हल्की मूछें नज़र आती थी तो वे मूछें करण को बेहद पसंद आती थी। मूछों के चलते ही ट्विंकल करण को बहुत हॉट लगती थी। ट्विंकल आगे ये भी बताती हैं कि एक बार उन्होंने करण जौहर के साथ बोर्डिंग स्कूल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही वे पकड़े गए। ट्विंकल ने बताया था कि हम पहाड़ी के आखिर में थे तो मैंने कहा नीचे लुढ़क जाओ, वहां से नाव लो और भाग जाओ। हालांकि ऐसा करने में करण
पकड़े गए और वहां से उन्हें वापस ले लिया गया, जिसमें 2 घंटे लग गए थे। इस वाक्य के बाद करण बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स से खुद को स्कूल से हटवाने के लिए कह दिया था। हालांकि कुछ साल पहले करण जौहर ने एक इंटरव्यू में ये इच्छा जाहिर की थी कि वे एकता कपूर से भी शादी करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि एकता से बेहतर कोई होगा। अगर मुझे और एकता को अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं मिलता तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। हालांकि ये बात उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही कही थी। आपको बता दें कि एकता कपूर भी अभी तक शादीशुदा नहीं हुई हैं। एकता कपूर भी काफ़ी एजड हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभी तक शादी करने का फ़ैसला नहीं किया है। वहीं अब करण जौहर भी काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं और इन दोनों के चर्चे अक्सर मीडिया में भी सुनने को मिल जाते हैं। हालांकि ये दोनों इन बातों को मजाक में ही लेते हैं और वो आपस में एक अच्छी दोस्ती को मेंटेन रखना चाहते हैं। वहीं करण जौहर के फिल्मी करियर की बात की जाए तो करण जौहर ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सहायक निर्देशक के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, जो कि हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख के दोस्त का एक छोटा सा किरदार निभाया था। निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है थी, जो ब्लॉकबस्टर रही थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी, यानी लव ट्राइंगल पर आधारित थी। फिल्म की काफ़ी सराहना हुई और फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते। इसके बाद कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज़ खान जैसी तमाम फिल्में बनाई, जिसको लोगों ने और क्रिटिक्स ने दोनों ने काफ़ी पसंद किया। इन सभी फिल्मों में करण ने अपने अजीज दोस्त शाहरुख को लीड रोल में ही कास्ट किया। इसके बाद आई फिल्म उनकी निर्माता निर्देशक के तौर पर फिल्मों में उन्होंने नई पीढ़ी को कास्ट करना शुरू कर दिया। कई फिल्मों में वे कैमियो में भी नज़र आते रहे हैं और आजकल वे बॉलीवुड के नए चेहरों को ही कास्ट करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, करण जौहर ने कई तरह के रोल्स को अदा किया है। एज ए डायरेक्टर वे काफ़ी फिल्में बना चुके हैं, एज ए निर्माता उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है, लेखक के तौर पे भी वे काम कर चुके हैं और इसके अलावा टीवी शोज़ में भी वे दिखते रहते हैं। आपको बता दें कि टीवी पर करण ने कॉफ़ी विद करण नाम का शो होस्ट किया, जिसमें सेलिब्रिटीज़ से वे बातचीत करते हैं। साक्षात्कार देने वालों में अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोग मौजूद होते हैं। ये शो काफ़ी पॉपुलर हुआ और कई बार चर्चा का विषय भी बना रहा। इस शो में भी करण लगभग हर बड़े सेलिब्रिटी को बुला चुके हैं और उनसे बात कर चुके हैं। इंडस्ट्री में लगभग सभी से अच्छे संबंध होने की वजह से उनके एक बार बुलावे पर सभी आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।